बसमिल्लाम अजीज तलबा तलबात असलकम आज हम थ्यूरी ऑफ ऑटोमेटा का फोर्टी सेकेंड लेक्चर स्टार्ट करेंगे इसे पेश के आज का लेक्चर स्टार्ट करें आइए गुजश्ता लेक्चर में डिस्कस किए गए टॉपिक्स पर एक नजर हो जाए रिक्चर फोर्टी वन लास्ट टाइम आर डिस्कसिंग कन्वर्शन फॉर्म ऑफ पी आपको याद होगा कि बेसिकली हम पी डी ए के कोरोस्पॉन्ट सी एफ जी बनाना चाह रहे थे और उसके लिए मैंने आपको बताया था कि पहले हम पी डी ए को एक स्टैंडर्ड फॉर्म में जिसको कन्वर्शन फार्म का नाम दिया गया उसमें कन्वर्ट करेंगे और उसके लिए हमने हेयर स्टेट इंट्रोड्यूस कराई और कुछ रूल्स हमने डिफाइन किए या कंडीशन आप कह सकते हैं कि फॉलोइंग दो कंडीशन वी कैन हैव दिस कन्वर्शन फॉर्म उसमें मैं बताता चलूं कि हमने ये कहा था कि इट मस्ट कंटेन ओनली वन स्टार्ट स्टेट एंडलीजार्ट स्टेट वन एक्सेप्ट स्टेट इफ यू हैव मोर देन वन वी कैन कन्वर्ट टू वन नो रिजेक्ट स्टेट और उसका मतलब यह है कि हम स्पेशली रिजेक्ट स्टेट के लिए uh, जो स्टिंग रिजेक्ट हो रही हैं या जिनके लिए कोई पार्ट्स नहीं मिल रहा हम उनके लिए स्पेशली कोई रिजेक्ट स्टेट शो नहीं करेंगे

और दूसरा यह था कि रीड एंड हेयर स्टेट शुड इमीजिएटली फॉलोड बाय द पॉप स्टेट और उसके अलावा हमने कहा कि ब्रांचिंग आर नॉट अलाउड एट पॉप स्टेट पॉप स्टेट विल पॉप अ सिंगल कैरेक्टर फ्रॉम द स्टेक हमने उसकी भी बात की थी और फिर लास्टली फिर हमने एक इसकी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन दी थी विद द हेल्प ऑफ ज्वाइंट ऑफ मशीन स्टूडेंट्स आपको याद होगा कि ज्वाइंट्स के बारे में मैंने आपको बताया था हेयर रीड स्टार्ट एक्सेप्ट दीज स्टेट्स आर कॉल्ड द ज्वाइंट ऑफ मशीन जबकि पॉप और पुश दे आर द पार्ट ऑफ पार्ट लाइंग बिटवीन द ज्वाइंट्स ज्वाइंट के, के, uh, uh, joint के दरमियान में ये एग्जिस्ट करेंगे और इस एतबार से हमने एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन आपको लास्ट टाइम दिखाई थी और वो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन वॉज लाइक टी जीज उसमें सर्किट्स भी आ रहे थे उसमें लूप भी एग्जिस्ट कर सकता है और चूंकि पॉप स्टेट के लिए कंडीशन थी नो ब्रांचिंग तो इस एतबार से पुश ऑलरेडी पुश की ब्रांचेज ऐसे ही नहीं होती तो हमें लेटर बाय लेटर आ, पाथ मिल जाएगा उसके हम मूव कर सकेंगे फ्रॉम वन ज्वाइंट टू अनदर और उसके बाद हमने इस इंफॉर्मेशन को जो हमने कन्वर्शन फॉर्म ली इसको हमने समरी टेबल में लास्ट टाइम कन्वर्ट किया और समरी टेबल का मकसद यह था कि वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द स्टार्ट स्टेट एंडिंग अप टू एक्सेप्ट स्टेट देर सो मैनी ज्वाइंट इन बिटवीन सो सेगमेंट बिटवीन एनी टू ज्वाइंट्स प्रोवाइड सट इंफॉर्मेशन और उन इंफॉर्मेशन को जो पाथ सेगमेंट्स जो जिसका मैंने जिक्र किया था लास्ट टाइम फ्रॉम वन ज्वाइंट टू एन अदर उनको हमने रो की शक्ल में समरी टेबल में uh, उसको लिखा और आपको याद होगा कि उसमें हमने ये कहा था कि फ्रॉम अ स्टेट टू एन अदर स्टेट व्हाट टू रीड व्हाट टू पॉप व्हाट टू पुश एंड रो नंबर तो इस तरह से तमाम पाथ सेगमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम स्टार्ट स्टेट एंडिंग इन एक्सेप्ट स्टेट वहां तक जितने भी ज्वाइंट के दरमियान पॉसिबल पाथ बनते थे उन सबको हमने समरी टेबल में रोज की शक्ल में लिख दिया था और उसके बाद मैंने आपको बताया था कि बिफोर वी डिफाइन द रिक्वायर्ड सी एफ जी वी आर इंटरेस्टेड इन डिफाइनिंग एनदर सी एफ जी फॉर दिस रो लैंग्वेज एक हमने डिफाइन की थी और रो लैंग्वेज के अबार से मैंने आपको ये कहा बताया था कि ये जो रोज हम उसमें दिखा रहे हैं हर रो के दौरान हमें एक इंफॉर्मेशन मिल रही है तो हमने बेसिकली नॉन टर्मिनल्स इंट्रोड्यूस करा दिए थे और उनकी जो शकल थी वो नेट की फॉर्म की थी और उसमें एक स्टेट और दूसरी स्टेट फ्रॉम वेयर फ्रॉम वट स्टेट टू विच स्टेट वट इज टू पॉप टू बी पॉप्ड वो शक्ल से हमने नेट स्टाइल सेंटेंस की भी बात की थी तो बेसिकली हमारा टारगेट ये था कि ये जो रोज हम ले रहे हैं रोज को अगर हम अल्फाबेट का पार्ट तस्वर कर लें तो उससे बनने वाली जो लैंग्वेज बनेगी क्योंकि इनकी जो कनकेटिनेशन है ये भी हमें डिफरेंट वर्ड जनरेट करती So, और वो वर्ड्स जो लैंग्वेज बनेगी दैट विल बी लैंग्वेज ऑफ बेसिकली न्यू लैंग्वेज दैट वी कॉल्ड रो लैंग्वेज और रो लैंग्वेज के लिए हमने अल्फाबेट इंट्रोड्यूस कराई थी लास्ट टाइम और उस अल्फाबेट में रोज को हमने लेटर्स करार दिया था इनकी पॉसिबल कॉम्बिनेशन हमें रोज को कंबाइन करके सो देट वी हैव ज्वाइंट कंसिस्टेंसी एंड स्टेक कंसिस्टेंसी वी कैन स्टार्ट फ्रॉम स्टार्ट स्टेट वी कैन एंड अपू एक्सेप्ट uh, स्टेट तो ये पास डिफरेंट स्टिंग करेंगे पार्ट ऑफ लैंग्वेज एक्सेप्टेड बाई दैट पीडीए एक्जैक्टली और ये जेहन में रहे कन्वर्सन फॉर्म हमने पीडीए के इंट्रोड्यूस कराई थी उसमें से इसका ख्याल रखा गया था कि लैंग्वेज एफेक्ट ना हो तो उस एतबार से जो अब रो लैंग्वेज हमने डिफाइन की है बेसिकली स्टेंग ऑफ रोज विल डिफाइन सर्टनली सर्टन Strings or strings by जब आप इनको इस तरह से लिंक करेंगे रोज को, को एक रो का की जो एंडिंग स्टेट है दूसरे की बिगिनिंग स्टेट हो तो ये लिंक होना शुरू हो जाएगा और रोज सीक्वेंस क्रिएट हो जाएगी रोज सीक्वेंस के दौरान हमें ज्वाइंट कंसिस्टेंसी जाहिर सिक्वेंस से मिलेगी और स्टैक कंसिस्टेंसी ऐसा ना हो कि किसी ऐसी स्टेज पर हम जाए ऐसा लेटर पॉप करना चाह रहे हो विच इज नॉट एट दॉप एट द टॉप ऑफ स्टैक दिस इज हाउ वी क्लेम दैट दिस वायोलेट द स्टैक कंसिस्टेंसी जो चीज हम पॉप करना चाह रहे हैं दैट मस्ट एग्जिट एट टॉप ऑफ स्टैक तो स्टैक कंसिस्टेंसी भी हमें मिलनी चाहिए डियर स्टूडेंट्स ज्वाइंट कंसिस्टेंसी और स्टैक कंसिस्टेंसी के बारे में मैं आपको बताता चलूं कि हमने पर्टिकुलर एक एग्जाम्पल ली थी एग्जाम्पल ऑफ लैंग्वेज एक्सप्रेस बाय ए रेस टू पार्ट टू एन बी एन एन इज इकल टू इसका पीडीए बनाया था इसके हमने बाकायदा कन्वर्शन फॉर्म बनाई थी और उसके बाद उसका समी टेबल भी बनाया था उसकी जितनी पॉसिबल रोज आई थी वो भी हमने बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस की थी जिस प्वाइंट पर मैं दोबारा आना चाह रहा हूं वो है ज्वाइंट एंड स्टैक कंसिस्टेंसी ज्वाइंट कंसिस्टेंसी का मतलब है वेन वी कैन कंटीन डिफरेंट रोज सो दर्स्ट रो

तो वहां जो स्ट्रिंग जिसको आप टेस्ट कर रहे हैं पूरी की पूरी कंप्लीटली रीड हो चुकी हो और लास्ट करेक्टर टू बी पॉप फ्रॉम द स्टैक मस्ट बी डॉलर साइन आपको याद होगा कि इस कन्वर्शन फॉर्म में थोड़ी सी चेंज की थी हमने स्पोज किया था कि एट द टॉप ऑफ स्टैक इनिशियली वी हैव डॉलर साइन एंड वी स्टार्ट फ्रॉम स्टार्ट स्टेड एंड वी हैव पॉप डॉलर देन पुश डॉलर तो हम उसको डॉलर को हम वहां मेंटेन रखते थे सो वी डिफाइंड That before, ये हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि रिक्वायर्ड सीएफजी से पहले हम एक ऐसी सीएफजी देख ली जाए बना ली जाए जो रो लैंग्वेज को जिसको हमने नाम दिया और रो लैंग्वेज बेसिकली वो वायबल सीक्वेंसेस सीक्वेंस ऑफ रोज हैं जो वायबल पाथ जनरेट करें और वायबल से मुराद यही थी कि ज्वाइंट कंसिस्टेंट एंड स्टैक कंसिस्टेंस स्टूडेंट्स रो सीक्वेंसिस की बात हो रही थी कि हमने रो सीक्वेंसेस का ख्याल रखना है कि इनको इस तरह से आपस में ज्वाइन करना है डिफरेंट रोस को सो दैट वी स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्ट स्टेट एंड वी एंड अप एट एक्सेप्ट स्टेट कीपिंग इन व्यू ज्वाइंट कंसिस्टेंसी एंड स्टैक कंसिस्टेंसी इन दोनों के बारे में मैं बड़ी तफसील से बता चुका हूं और इसी तरह से जितने स्टेंग मिलेंगी दैट स्टेंग विल बी द पार्ट ऑफ लैंग्वेज

बेसिकली कलेक्शन ऑफ स्टिंग और उसको हम रो लैंग्वेज का नाम दे रहे हैं तभी आपको याद होगा कि हमने रो लैंग्वेज की अल्फाबेट में रो वन रो टू रो थ्री एंड सो ऑन सो ऑल द कम्बिनेशन ऑफ रोज आर नॉट पार्ट ऑफ रो लैंग्वेज ओनली दो विच सेटिस्फाई द ज्वाइंट कंसिस्टेंसी एंड स्टेक कंसिस्टेंसी स्टार्टिंग फ्रॉम स्टार्ट स्टेट एंडिंग एट एक्सेप्ट स्टेट अब इस रो लैंग्वेज के लिए हमारा टारगेट है पहले इसकी सी एफ जी बना ली जाए और उसकी मदद से जो प्रोडक्शन आएंगी जस्ट इंट्रोड्यूसिंग सम मोर प्रोडक्शन विल बी हैविंग रिक्वायर्ड सी एफ जी तो अब इसके नॉन टर्मिनल किस तरह से डिफाइन की जाए आइए उसको भी देख लेते हैं और उससे पहले वही कंटिन्यू रो लैंग्वेज सो वी आर कंटिन्यूंग रो लैंग्वेज डिस्कशन एंड विल बी लुकिंग एट हाउ द नॉन टर्मिनल्स आर डिफाइंड फॉर The CFG of this row language, as has already been discussed, that the row language is the language whose alphabet sigma equal to row one, row two, row three, and so on up to row seven, for the example under the consideration. So, to determine the CFG of row language, the non-terminals of this CFG are introduced in the form and the following form. स्टाइल आप देख रहे हैं कि नेट एक्स वाई जेड वे एक्स एंड वाई आर ज्वाइंट एंड जेड इज एनी स्टैग कैरेक्टर फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नेट एक्स वाई जेड ये एग्जाम्पल आप देख रहे हैं बेसिकली दिस इज ए पार्ट ऑफ पाथ बिटवीन एनी टू ज्वाइंट्स हमने स्पोज किया तो आप यहां देख रहे हैं कि इसका नेट इफेक्ट क्या होगा ंग फ्रॉम स्टेट ज्वाइंट एक्स आप कह सकते हैं एंडिंग इन द नेक्स्ट ज्वाइंट वाई दिस इज पाथ बिटवीन एक्स एंड वाई एंड व नेट इफेक्ट ऑफ दिस पाथ आप देख रहे हैं कि फर्स्ट पॉप जेड विल पॉप जेड करैक्टर फ्रॉम द स्टैक, द नेक्स्ट इज पुश ए द नेक्स्ट इज पुश बी एंड दीज लेटर इन रिवर्स ऑर्डर आर अगेन पॉप्ड बाय द नेक्स्ट टू पॉप स्टेट्स आप देख रहे हैं पॉप बी एंड पॉप ए So the net effect of this path segment between the joints x and y will be again Z if the above is the path segment between two joints then the, then the net stack effect is same as pop Z. For a given PDA uh, some sets of all possible sentences net X y z are true. वायल अदर आर फॉल्स फॉर दिस पर्पज एवरी रो ऑफ द समरीबल इज कंट इज एग्जाम वेदर द नेट इफेक्ट ऑफ पॉपिंग इज एग्जैक्टली वन लेटर स्टूडेंट्स जिन नॉन टर्मिनल की अभी मैंने बात की मैंने अभी आपको यह बात बताई कि रो लैंग्वेज की सी एफ जी इंट्रोड्यूस कराएंगे पहले और फिर उसके बाद कुछ प्रोडक्शन और एड करने से वो सी एफ जी जो रो लैंग्वेज की थी रिक्वायर्ड पीडीए की लैंग्वेज के लिए सी एफ जी बन जाएगी अब इस सिलसिले में किस किस्म के हम नॉन टर्मिनल्स लेंगे नॉन टर्मिनल विल ऑलवेज बी द फॉर्म ऑफ नेट वन स्टेट एक्स द अदर स्टेट वाई एक्स इज द स्टेट फ्रॉम वी स्टार्ट वाई द स्टेट फ्रॉम एट विच वी एंड एंड दीज आर बेसिकली टू ज्वाइंट्स तो दो ज्वाइंट जो के दरमियान जो कंजेक्टिव ज्वाइंट है उनके درمیان पाथ में वट इज पॉपड

ऑफ द समरी टेबल डेवेल्प फॉर दीडीए ऑफ द लैंग्वेज ए टू एन बी एन ये मैं लास्ट लेक्चर से लिंक कर रहा हूँ आपके पास समरी टेबल ऑलरेडी मौजूद है वहां से रो फोर को रिप्रोड्यूस किया गया है और रो फोर इसी तरह थी वी स्टार्ट फ्रॉम रीड वन एंड वी एंड अपर स्टेट एंड फ्रॉम रीड वन टू हेयर स्टेट द लेटर बी इज रेड आप देख रहे हैं नेक्स्ट कॉलम में एंड लेटर ए इज पॉप्ड

आप यहां देख रहे हैं कि हमने चूंकि रीड वन से स्टार्ट किया था हेयर हमारा दूसरा जॉइंट था उसके दरमियान के पाथ में नथिंग वायल द लेटर ए वाज पॉप्ड तो इस किस्म की जो रोज होंगी वो तमाम की तमाम रोज जिनका नेट इफेक्ट ये होगा उनको हम नॉन टर्मिनल के तौर पर इस तरह से लिख सकेंगे जो आपने देख लिया सो रो फोर इज अंगल नेट रो ये बाद में बताया जाएगा कि सिंगल नेट रो क्यों कहा जा रहा है बाजा اوقات हमें Uh, मुख्तलिफ नेट को मिलाया जाएगा और वो रिजल्ट किसी एक रो के रिजल्ट के बराबर होगा वो बात बाद में आएगी कंसिडर द फॉलोइंग रो फ्रॉम एन आर्बिटेरी समरी टेबल आप यहां देख रहे हैं कि दिस इज जस्ट डमी एक रो हमने ले ली है वी स्टार्ट फ्रॉम रीड नाइन एंड वी एंड अप रीड थ्री द लेटर बी इज रेड लेटर बी इज पॉपड एंड द स्टैंग ए डबल बी इज पुस्ट

Read 3 does not pop one letter from the stack while it adds two letters to the stack. However, row 11 can be concatenated with some other net style sentences. For example, row 11 net read 3, read 7 a, net read 7, read 1 b, net read 1, read 8 b. आप देख रहे हैं कि बेसिकली रो इलेवन का नेट इफेक्ट सिंगल करेक्टर नहीं था कि हमारा टारगेट ये था कि नेट स्टाइल के लिए जो नेट रिजल्ट है या इफेक्ट है दैट मस्ट बी वन क्रैक्टर टू बी पॉप फ्रॉम द स्टैक वो यहां नहीं है बट वेन वी कैन कैटिनेट दिस विद अदर्स और ये जो नेट स्टाइल सेंटेंसेज आप इसके नॉन टर्मिनल्स देख रहे हैं ईच पॉप्ड ए दादर पॉप बी दादर पॉप पी तो जो पुश जो सिचुएशन थी उसके एतबार से अगर आप देखें तो जितने स्टेंग के लेटर पुश हो रहे थे उस स्टेंग में वो अब यहाँ पॉप हो रहे हैं और नेट इफेक्ट वो एक लेटर का ही रहेगा विच गिवस द नॉन टर्मिनल नेट रीड नाइन रीड एट बी यहां आप देख रहे हैं कि हमने रो इलेवन में रीड नाइन से स्टार्ट किया था और जो लास्ट हमने लिंक किया था रो इलेवन को उसका उसकी जो लास्ट स्टेट थी दैट वाज रीड एट तो अब जो सीक्वेंस बन गया फ्रॉम रीड नाइन टू रीड एट एंड द नेट इफेक्ट इज जस्ट सिंगल लेटर बी सो वी कैन कंसीडर दिस टू बी द नॉन टर्मिनल नाउ द होल प्रोसेस कैन बी रिटन एज नेट रीड नाइन रीड एट बी इज टू ये प्रोडक्शन की शक्ल हमने बना दी है दिस इज इक्वल टू या दिस कैन बी रिप्लेस्ड बाय रो 11 नेट रीड 3

म दैट दिस रो इलेवन कैन बी कैनकेटिटेड विद नेट स्टाइल नॉन टर्मिनल्स और उनको लिंक किया जा सकता है सो दैट द नेट इफेक्ट बिकम्स एन अदर नॉन टर्मिनल और उसको हमने रीड एट लिंक किया और नेट इफेक्ट उसका लेटर बी हम वी वर पॉपिंग लेटर बी चूंकि जो रो इलेवन थी उसमें न सिर्फ लेटर बी पॉप हो रहा था बल्कि कुछ लेटर पुश भी हो रहे थे और उन पुश को पॉप कर लिया गया बाकी दो को साथ लिंक करने से और इस तरह से नेट इफेक्ट एक लेटर ही रह गया तो इस तरह से वो रोज जो नेट स्टाइल के एतबार से नॉन टर्मिनल्स प्रोड्यूस नहीं उनको करते उनको यूज करते उनको कनकेटिनेट करते हुए वी कैन हैव एन नेट स्टाइल नॉन टर्मिनल एंड दैट कैन प्रोड्यूस अ प्रोडक्शन इन द सी फॉर रो लैंग्वेज फर्स्ट so टाइम आपके लिए थोड़ा सा ये मुश्किल होगा कि अजीब किस्म के नॉन टर्मिनल आ रहे हैं जो समरी टेबल से हम इंट्रोड्यूस करा रहे हैं और फिर एक नॉन एक रो जो नॉन टर्मिनल इंट्रोड्यूस नहीं करा रही वो नॉन टर्मिनल इंट्रोड्यूस कराने में हेल्प कर रही है और ना सिर्फ वो इंट्रोड्यूस करा रही है नॉन टर्मिनल बल्कि एक प्रोडक्शन भी इंट्रोड्यूस करा रही तो रोज इस तरह से आप डिफरेंट नॉन टर्मिनल के साथ लिंक करके किसी भी रोग को जो खुद से नॉन टर्मिनल जनरेट ना करा रही हो वो एक नया नॉन टर्मिनल क्रिएट करा सकती है और न सिर्फ वो नया नॉन टर्मिनल क्रिएट होगा बल्कि उसके लिए एक प्रोडक्शन बन जाएगी एक साइड पर वो नया नॉन टर्मिनल होगा दूसरी साइड पर वो रोज इसको आपने कनकैटिनेट किया और उसके साथ वो नॉन टर्मिनल जिन्होंने एक सिक्वेंस क्रिएट कर दिया उसके नेट इफेक्ट देने के लिए तो इस तरह से एक नई प्रोडक्शन बन जाएगी हम क्लेम करेंगे कि ये प्रोडक्शन हेल्प करेगी उस सीएफ के लिए या उस सी की प्रोडक्शन होगी जो रो लैंग्वेज के लिए होगी ये आप देख सकेंगे वक्त के साथ साथ कि जो सी हम रो लैंग्वेज के लिए बना रहे हैं मैंने आपको शुरू में बताया कि उसमें कुछ प्रोडक्शंस और इंट्रोड्यूस कराने के बाद जो रिजल्टेंट सी बनेगी दैट विल बी दी रिक्वायर्ड सी फॉर कॉरेस्पॉन्डिंग टू दीडीए जो हम डिस्कस कर रहे हैं आइए हम इसको मजीद देख लेते हैं In general, to create productions from rows of summary table, consider the following row in certain summary table. state read x, read y, or the letter which is uh, supposed to be read is u, the letter which is popped from the stack is supposed to be w, and the strings of letter to be pushed during uh, this path segment is supposed to be m1, m2, m3, up to mn.

इसको ऐसे नॉन टर्मिनल्स के साथ एसोसिएट कर सकते हैं जो M1, M2, M3, MN लेटर पॉप करते हो तो जो स्ट्रिंग पुश हो चुकी है ये उनको कैकेटिनेट करने की वजह से यह पॉप हो सकेगी और इस तरह से नेट इफेक्ट लिंक करने के बाद जो होगा वो लेटर W ही हो सकेगा देन फॉर एनी सिक्वेंस ऑफ ज्वाइंट स्टेट S1, S2 अप टू एस एन यानी जितने आपने लेटर्स उसमें देख रहे हैं एन टाइम्स एन नंबर ऑफ लेटर्स इन पुश कॉलम एन तो उतने ही हमें नॉन टर्मिनल चाहिए होंगे स्टेट्स के बेसिकली ये स्टेट्स हैं और इन्हीं के इनके से नॉन टर्मिनल्स भी आएंगे द प्रोडक्शंस इन द रो लैंग्वेज कैन बी इंक्लूडेड एज नेट रीड एक्स एस डब्ल्यू अब आप देख रहे हैं कि हमारा एक्चुअल जो आई थ्रो थी वो स्टार्ट हो रही थी रीड एक्स से एंड हो रही थी रीड वाई से अब रीड वाई और रीड वाई और एस वन एक नेक्ट सेंटेंस होगा उसको नेक्स्ट एस वन को एस टू से मिलाएंगे और लास्टली हम एस एन पर एंड करेंगे तो वो तमाम लेटर्स जो पुश हो चुके थे अब इन स्टेट्स की वजह से वो उनको आउट किया जा सकेगा और इस तरह से नई नॉन टर्मिनल डिफाइन होगा और न सिर्फ ये नॉन टर्मिनल डिफाइन हो रहा है बल्कि एक प्रोडक्शन भी डिफाइन हो रही है आप देख रहे हैं विच इज नेट रीड एक्स एस एन डब्ल्यू इज टू रो आई कैन कैटिनेटेड विद नेट रीड वाई एस वन एम वन नेक्स्ट डेफिनेटली आएगा नेट रीड एस वन एस टू एम टू एंड सो ऑन और लास्ट जो नॉन टर्मिनल हम यूज करेंगे इस प्रोडक्शन में दैट विल बी नेट एस एन माइनस वन एस एन एम एन स्टूडेंट्स बेसिकली आप यहां देख रहे हैं ये जो हम बताना चाह रहे हैं हम ये आगे रूल्स भी डिफाइन करेंगे कि सी एफ जी कोरस्पॉन्डिंग टू रो लैंग्वेज इनकी प्रोडक्शन किस तरह से अल्टीमेटली पॉसिबल प्रोडक्शन हम इंट्रोड्यूस करा सकेंगे उस तरफ आने के लिए हमने एक रो वो देखी जिसका नेट इफेक्ट एक लेटर था एंड वॉज पुशिंग नथिंग फिर हमने एक रो वो देखी जिसमें दैट पॉप आ करेक्टर फ्रॉम द स्टेक बट ऑल्सो पुशिज सम लेटर एज वेल और वो नॉन टर्मिनल तस्वर नहीं हो सकता हमने फिर उस किस्म की रो की इन्फॉर्मेशन को हमने कैंकटिनेट कर दिया सीक्वेंस ऑफ अदर नॉन टर्मिनल विच बेसिकली एग्जैक्टली क्योंकि नॉन टर्मिनल की मैंने बात कर दी हर नॉन टर्मिनल इस सी एफ जी में एक लेटर पॉप करता है तो वो लेटर वो जो एडिशनल पुश हो चुके हैं उनके कोरोस्पॉड अगर हम नॉन टर्मिनल सीक्वेंस में मिल जाएं तो बारी बारी जो एडिशनल लेटर पॉप पुश हुए थे वो इन नॉन टर्मिनल्स की वजह से पॉप हो सकेंगे और नेट इफेक्ट वही होगा जो हम चाहेंगे तो इसको जनरलाइज किया है और यही हमारी हमारी टेक्निक होगी डिफरेंस रोज की मदद से हम नए नॉन टर्मिनल भी डिफाइन करेंगे और उन नॉन टर्मिनल्स के लिए प्रोडक्शन भी डिफाइन कर सकेंगे सो वी हैव जेनलाइज दिस आइए इसको मजीद तफसील से देख लेते हैं ये नॉन टर्मिनल इन जर्नरल मैंने आपको जो दिखाया इसके लिए प्रोडक्शन भी आपको दिखा दी तो इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड फ्रॉम द सम रिटेबल कुछ तो रोज खुद ही नॉन टर्मिनल डिफाइन कर रही होती है और कुछ रोज uh, की मदद से नॉन टर्मिनल डिफाइन होते हैं और न सिर्फ नॉन टर्मिनल बल्कि प्रोडक्शन भी जो जैसे कि आप देख रहे हैं इट मे बी नोटेड दैट इन सी एफ जी इन जनरल रिप्लेसिंग ए नॉन टर्मिनल आई दर

helpless in defining any word. So this is what I k in general replacing a non terminal, either the string of other non-terminal does not always lead to uh, a word in the corresponding CFL. For example, S is to X, S is to Y, X is to A B, Y is to A double Y. Here, y is to a double y does not lead to any word of the language. Following are the three rules of defining all possible productions of CFG of, of the row language. Number one, the trip starting from start state and ending in accept state with the net style net start accept dollar. गिव्स द प्रोडक्शन ऑफ द फॉर्म एस इज टू नेट स्टार्ट एक्सेप्ट डॉलर डियर स्टूडेंट्स अब आपको सिस्टमेटिकली रो लैंग्वेज की सी एफ जी के लिए प्रोडक्शन इंट्रोड्यूस कराने के बारे में बताया जा रहा है जिसमें पहला रूल आपको यह बताया गया कि ऐसी तमाम नॉन टर्मिनल्स जो स्टार्ट से स्टार्ट हूं एक्सेप्ट पर एंड हूं और पॉप डॉलर साइन इसका मतलब यह है कि इनके लिए जो प्रोडक्शन इंट्रोड्यूस कराई जाएगी दैट विल बी एस इज टू नेट स्टार्ट एक्सेप्ट डॉलर साइन सो दिस विल बेसिकली आपको पता है कि अगर हम स्टार्ट uh, से स्टार्ट करें एक्सेप्ट पर एंड करें और द नेट रिजल्ट फ्रॉम द स्टैक शुड बी द डॉलर साइन टू बी पॉप्ड

स्टैक कंसिस्टेंसी की किसी वर्ड को एक्सेप्ट होने के लिए हाँ, उस पीडीए के लिए जो कन्वर्शन फॉर्म में है तो ये हम यहां बता रहे हैं कि इसके जितने तो भी पात जो स्टार्ट से स्टार्ट हूं एक्सेप्ट एंड हूं नेट इफेक्ट डॉलर कैरेक्टर हो उनके लिए हम प्रोडक्शन डिफाइन कर सकेंगे एंड द प्रोडक्शन विल बी ऑफ द टाइप एस इज टू नेट स्टार्ट एक्सेप्ट एंड देन डॉलर साइन तो डेफिनेटली इस किस्म की प्रोडक्शन एक ही हो सकती है इसकी ज्यादा नहीं हो सकती इन नॉन टर्मिनल के लिए फर्दर रिप्लेसमेंट ज्यादा हो सकेंगी तो आइए इसका सेकेंड रूल भी देख लेते हैं नंबर टू फ्रॉम द समरी टेबल द रो ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म फ्रॉम एक्स टू वाई रीड एनीथिंग पॉप जेड पुश नथिंग रो नंबर इज आई डिफाइन्स द प्रोडक्शन्स ऑफ द फॉर्म नेट एक्स वाई जेड इज टू रो आई इस किस्म की तमाम रोज न सिर्फ नॉन टर्मिनल डिफाइन करेंगी बल्कि प्रोडक्शन भी डिफाइन करेंगे जैसे भी आप देख रहे हैं ऐसी रोज जिसमें पॉप के लिए एक करेक्टर हो और दैट पुश इज नथिंग सो दे डिफाइन अ नॉन टर्मिनल लाइक नेट एक्स वाई जेड

जिनका नेट इफेक्ट टू पॉप सिंगल कैरेक्टर फ्रॉम द स्टैक था तो ना सिर्फ ये नॉन टर्मिनल डिफाइन करेंगी बल्कि प्रोडक्शन भी डिफाइन करेंगी और प्रोडक्शन के लिए लेफ्ट साइड पे यही नॉन टर्मिनल होंगे और राइट right साइड पे रो इट्स यूज हो जाएगी और दिस टाइप ऑफ प्रोडक्शन विल बी नॉन टर्मिनल इज टू टर्मिनल तो ये इस किस्म की प्रोडक्शन ये एड करेंगी और जितनी रोज नॉन टर्मिनल डिफाइन कर रही होंगी उतने ही इस किस्म की हमें प्रोडक्शंस मिल सकेंगी और ये रूल टू में आपने देखा आइए रूल थ्री को भी देख लेते हैं रूल थ्री फॉर ईच रो दैट पुश स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर्स ऑन टू द स्टैक ऑफ द फॉर्म फ्रॉम रीड एक्स टू रीड वाई रीड लेटर यू पॉप कैरेक्टर डब्ल्यू पुश द स्ट्रिंग एम वन up to m n and this is rho i. Then for any sequence of joint states S 1, S 2, S n, the production in the rho language can be included as net read x S n W is to rho i net read y S 1, m 1. The next will be definitely

हमने रो आई यूज की थी ओ दैट वॉज नॉट नेट स्टाइल सेंटेंस बट वी कैन एक्चुअली लिंक विद अदर नेट सेंटेंसेज एंड कैन हैव नेट इफेक्ट जस्ट टू पॉप सिंगल कैरेक्टर डब्ल्यू तो ये वही लिंक है जो आपको पहले बताया जा चुका था रूल डिफाइन करने से पहले और यहां रूल थ्री में आपको सेपरेटली दिखाया जा रहा है इट मे बी नोटेड दैट दिस रूल इंट्रोड्यूसिस न्यू प्रोडक्शंस इट Does not mean that each production of the form non terminal is to string of non terminal helps in defining uh, some word of the row language. There is a note considering the example of PDA accepting the language A to N, B and N is equal to 1, 2, 3 under consideration using rule 1, 2, and 3, the possible productions for the CFG of the row language. आर स्टूडेंट्स ये तीन रूल बताए गए और अब मैं ये चाहूंगा कि जो एग्जांपल हमने स्टार्ट की हुई थी उस लैंग्वेज के पीडीए के लिए जिसको ए टू एन बी एन एन टू वन टू थ्री का हमने नाम दिया था उसका पीडीए बनाया था उसके कन्वर्शन फॉर्म ली थी उसका समरी टेबल बनाया था और फिर उसके कॉरेस्पॉन्ड रो लैंग्वेज हमने डिफाइन की और रो लैंग्वेज के लिए सी की बात की कि इसकी सी डिफाइन करते हैं और डेफिनेटली सी के लिए नॉन टर्मिनल की जरूरत होती है और नॉन टर्मिनल डिफाइन कर दिए गए फिर जितनी जिस किस्म की प्रोडक्शन बन सकती थी उनके रूल्स डिफाइन हो गए अब इन रूल्स को सामने रखते हुए जितनी प्रोडक्शन्स इस पर्टिकुलर एग्जांपल के लिए बन सकती हैं उनको देखना चाह रहे हैं नो डाउट दे आर सो मैनी प्रोडक्शंस और यहां इसको दिखाने का मकसद यही है कि आप समरी टेबल को अपने सामने रखें जो लास्ट लेक्चर में आपको दिखाया गया था ये उसी के हवाले से बात चल रही है उस टेबल को सामने रखते हुए आप इसको जस्टिफाई करें कि जो प्रोडक्शन बताई जा रही हैं क्या ये उनको जस्टिफाई करती हैं तीनों किस्म के रूल्स आपको बता दिए गए और इन रूल्स से प्रोड्यूस होने वाले प्रोडक्शंस की जस्टिफिकेशन भी मैंने आपको बता दी ये तमाम के तमाम रूल समरी टेबल पर बेस करें इस एग्जाम्पल का समरी टेबल आपके साम आपके पास डेफिनेटली मौजूद होगा उसको सामने रखिए और इन प्रोडक्शंस को चेक करें खुद से कि जो कुछ कहा जा रहा है डेफिनेटली लेफ्ट साइड पे एक नॉन टर्मिनल होगा जिसका नेट इफेक्ट एक कैरेक्टर होगा टू बी पॉपड फ्रॉम द स्टैक एंड नथिंग टू बी पुस्ड और जो राइट right साइड पे है दैट विल बी आई दर वर्ड आदर नॉन टर्मिनल कोई रो लिखी होगी या स्टैंग ऑफ नॉन टर्मिनल होगा तो वो नेट इफेक्ट हम चेक करेंगे के वो इस तरह से आ सकेगा यानी और समटाइम इट मे भी वर्किंग स्ट्रिंग वो उस तरह से आप उसको रिप्लेस भी कर सकेंगे क्योंकि आपको पता है कि आ, सी एफ जी में किसी नॉन टर्मिनल को वर्किंग स्ट्रिंग से भी रिप्लेस किया जा सकता है उसको किसी टर्मिनल से भी रिप्लेस किया जा सकता है आइए इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल के तमाम पॉसिबल प्रोडक्शन इन रूल्स की मदद से जो मिल रहे हैं उनको देख लेते हैं नंबर वन प्रोडक्शन एस एस टू नेट स्टार्ट एक्सेप्ट डॉलर ये डेफिनेटली एक ही प्रोडक्शन होगी नंबर टू नेट रीड वन हेयर ए रो फोर रो फोर प्रोवाइड्स नॉट ओनली द नॉन टर्मिनल जो आपको नजर आ रहा है लेफ्ट साइड पे, बल्कि ये प्रोडक्शन भी प्रोड्यूस कर रहा है नंबर थ्री नेट हेयर रीड टू ए रो फाइव नंबर फोर नेट रीड टू हेयर ए इज टू रो सिक्स नंबर फाइव नेट Read to accept dollar row seven. Number six, net start read one dollar is to row one net read one read one dollar. Number seven, net start read two dollar is to row one net read one read two dollar. Number eight, net start here dollar row one net. रीड वन हेयर डॉलर नंबर नाइन नेट स्टार्ट एक्सेप्ट डॉलर इज टू रो वन नेट रीड वन एक्सेप्ट डॉलर डियर स्टूडेंट्स अब तक हमने नाइन प्रोडक्शन पढ़ी और इन नाइन प्रोडक्शन में जो रूल्स आपको बताए गए तीनों के तीनों रूल अप्लाई हो गए जिसमें फर्स्ट रूल के मुताबिक हमने फर्स्ट प्रोडक्शन लिखी सेकेंड रूल जिसमें बताया गया था कि वो तमाम रोज जो नॉन टर्मिनल डिफाइन कर रही हैं उनसे प्रोडक्शंस बनाई जा सकती हैं वेयर द लेफ्ट साइड इज अ नॉन टर्मिनल एंड द राइट साइड ऑफ द प्रोडक्शन विल बी द नंबर ऑफ रो दो दो आर फोर प्रोडक्शंस वो चार प्रोडक्शंस हमने वो डिफाइन की दैट वॉज टू थ्री फोर एंड फाइव और इनके जो कॉरेस्पॉन्ड रोज थे जिन रोज को हमने यूज किया दो बार रो नंबर फोर रो नंबर फाइव रो नंबर सिक्स रो नंबर सेवन अब थर्ड रूल ये है कि ऐसी रो जिसमें कुछ स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर्स पुश हो रहे हों वो खुद तो नॉन टर्मिनल डिफाइन नहीं करते लेकिन अगर उनको डिफरेंट नॉन टर्मिनल्स के साथ कंकेटिनेट कर दिया जाए दे डिफाइन एन नॉन टर्मिनल एंड प्रोवाइड न्यू प्रोडक्शन तो उसके लिए रूल थ्री को यूज करते हुए हम सिस्टमेटिकली हम प्रोडक्शन लिख रहे हैं और हमने रो वन को पहले लिया तो बाकी चार प्रोडक्शन में हमने रो वन को यूज करते हुए नई प्रोडक्शन डिफाइन की फॉलोइंग द रूल थ्री आइए बाकी रोज के कॉरेस्पॉन्ड जो खुद से नॉन टर्मिनल डिफाइन नहीं करती बल्कि कनकेटिनेट करने से नॉन टर्मिनल डिफाइन हो सकते हैं और उनकी प्रोडक्शन लिखी जा सकती हैं उनको देख लेते हैं प्रोडक्शन नंबर टेन Net read one, read one dollar is to row two, net read one, read one A, net read one, read one dollar. Production eleven, net read one, read one dollar is to row two, net read one, read two A, net read two, read one dollar. Production number twelve, net read one, read one dollar is to row two, नेट रीड वन हेयर ए नेट हेयर रीड वन डॉलर प्रोडक्शन नंबर थर्टीन नेट रीड वन रीड टू डॉलर इज टू रो टू नेट रीड वन रीड वन ए नेट रीड वन रीड टू डॉलर प्रोडक्शन फोर्टीन नेट रीड वन रीड टू डॉलर रो टू नेट रीड वन रीड टू ए नेट रीड टू रीड टू डॉलर नंबर फिफ्टीन Net read 1 read 2 dollar is to row 2 net read 1 here a net here read 2 dollar number 16 net read 1 here dollar is to row 2 net read 1 read 1 a net read 1 here dollar 17 net read 1 here dollar is to row 2 net read 1 read 2 a net read 2 here dollar number 18 Net read 1 here dollar is to row 2 net read 1 here a net here here dollar. Number 19 net read 1 except dollar, row 2 net read 1 read 1 a net read 1 except dollar. Number 20 net read 1 except dollar is to row 2 net read 1 read 2 a net read 2 except dollar. स्टूडेंट्स अभी जो प्रोडक्शन आपको टेन टू ट्वेंटी बताई गई वो सबकी सब रो टू की मदद से डिफाइन की गई आपने देखा कि उनके सब में वो स्टार्टेड ऑन द राइट साइड ऑफ द प्रोडक्शन स्टार्टेड विथ रो टू बिकॉज रो टू इट्स सेल्फ डज नॉट डिफाइन एनी नॉन टर्मिनल मैंने आपको बताया था कि ऐसे रोज जो खुद से नॉन टर्मिनल डिफाइन ना करें उनको कैंकैटिनेट करके एक नया नॉन टर्मिनल डिफाइन किया जा सकता है और वो नया नॉन टर्मिनल एक प्रोडक्शन इंट्रोड्यूस कराएगा तो इस रो टू के कोरोस्पॉन्ड जितनी पॉसिबल नॉन टर्मिनल एंड कॉरस्पॉन्डिंग प्रोडक्शन हो रही हैं हम उसका जिक्र कर रहे हैं आइए मजीद प्रोडक्शन देख लेते हैं नंबर ट्वेंटी वन, नेट रीड वन एक्सेप्ट डॉलर एज टू रो टू नेट रीड वन हेयर ए Net here except dollar number 22. Net read one read one a is to row 3. Net read one read one a. Net read one read one a. 23. Net read one read one a is to row 3. Net read one read two a. Net read two read one a. Number 24. Net read one read one a is to row 3. Net read 1 here A, net here read 1 A. Number 25, net read 1 read 2 A is to row 3, net read 1 read 1 A, net read 1 read 2 A. Number 26, net read 1 read 2 A is to row 3, net read 1 read 2 A, net read 2 read 2 A. Number 27, net read 1 read 2 A is to row 3, net read 1 here a net here read 2 a. Number 28, net read 1 here a is to row 3, net read 1, read 1 a, net read 1 here a. Number 29, net read 1 here a is to row 3, net read 1, read 2 a, net read 2 here a. Number 30, net read 1 here a is to row 3. नेट रीड वन हेयर ए नेट हेयर हेयर ए नंबर थर्टी वन नेट रीड वन एक्सेप्ट ए इज टू रो थ्री नेट रीड वन रीड वन ए नेट रीड वन एक्सेप्ट ए नंबर थर्टी टू नेट रीड वन एक्सेप्ट ए इज टू रो थ्री नेट रीड वन रीड टू ए नेट रीड टू एक्सेप्ट ए स्टूडेंट्स अभी आपने देखा कि जो लास्ट प्रोडक्शंस थी उनके राइट right साइड पर रो uh, थ्री से स्टार्ट हो रहे हैं सो वी सिस्टमेटिकली वी आर बेसिकली इंट्रोड्यूसिंग प्रोडक्शंस यूजिंग द रोज व्हिच डू नॉट डिफाइन नॉन टर्मिनल रूल थ्री हम अप्लाई कर रहे हैं और आपने देखा कि uh, अभी जो मैंने प्रोडक्शंस पढ़ी उसमें रो टू को भी यूज किया और रो थ्री को भी हमने यूज किया आइए बाकी प्रोडक्शंस देख लेते हैं नंबर थर्टी नेट

Uh, implies, or we can have uh, the next replacement. Row one, net read one, except dollar using production nine, uh, which is uh, which implies row one, row two, net read one, read two, a and net read two, accept dollar using twenty. यहाँ ध्यान में RD stand for read and AT stand for accept, and this gives row one, row two, row three net read 1 here a net read 2 here a net read 2 accept dollar using production 27 which gives row 1 row 2 row 3 row 4 net here read 2 a net read 2 accept dollar using production 2 gives row 1 row 2 row 3 row 4 row 5 net here accept dollar using production 3 and this gives lastly रो वन रो टू रो थ्री रो फोर रो फाइव रो सेवन हेयर वी यूज प्रोडक्शन फाइव विच इज द शॉर्टेस्ट वर्ड इन द होल रो लैंग्वेज स्टूडेंट्स अभी आपने सी एफ जी फॉर रो लैंग्वेज को यूज करते हुए उनके प्रोडक्शन यूज करते हुए एक वर्ड की डेरिवेशन देखी और डेफिनेटली इस तरह से हम डिफरेंट वर्ड जनरेट कर सकते हैं और ये सीक्वेंस ऑफ रोज जो मिल रही है

ने आपको शुरू में बताया था कि वंस वी डिटर्मिन द सी एफ जी फॉर रो लैंग्वेज विल बी इंट्रोड्यूसिंग सम न्यू प्रोडक्शन एंड द रिजल्टेंट सी एफ जी विल बेसिकली कॉलोन्ड टू द गिवन पी डी ए तो उससे पहले कि हम नई प्रोडक्शन इंट्रोड्यूस कराएं इस रो लैंग्वेज की सी एफ जी में आइए कुछ डिस्कशन कर लेते इट कैन बी ऑब्जर्व दैट ईच लेफ्ट मोस्ट डायरिवेशन जनरेट द सीक्वेंस ऑफ रोज of the summary table which are both joint and stack consistent as so there is a note so far the rules have been defined to create all possible productions for the cfg of the row language since in each row in the summary table the read column contains either null string or delta which is a blank character in addition to the letters of alphabet of the language accepted by the PDA. So, each word of the row language generates the word of the language accepted by the given PDA. Thus, the following rule 4 helps in completing the CFG corresponding to the given PDA. Rule 4, each row of the summary table defines a production of the form row i is to a, where row i is the uh, read column consists of letter A, where in row I, the read column consists of letter A. Definitely, jobi up row lenge that read something, so whatever uh, the letter is read, so that will be on the right side of such productions. So application of rule 4 to the summary table for the PDA accepting A, 2n, bn, n is equal to 1, 2, 3 under consideration adds the following productions. Production 34, row 1 is to null string, 35, row 2 is A, 36, row 3 is A, 37, row 4 is B, 38, row 5 is null string, 39, row 6 is B, and 40, row 7 is uh, delta basically. So, which shows that the word row 1, row 2, row 3, row 4, row 5, row 7, ऑफ द रो लैंग्वेज इज कन्वर्टेड टू नल स्टिंग डबल ए बी नल स्टिंग डेल्टा विच इज ए डबल बी स्टूडेंट्स अभी आपने देखा के रूल फोर में हमने बेसिकली रोज के कॉरेस्पॉन्ड लेटर्स या नलस्टिंग या डेल्टा इनको इंट्रोड्यूस करा है डेफिनेटली ईच रो रीड समथिंग आइदर डेल्टा और नलस्टिंग और लेटर फ्रॉम द एल्फाबेट तो उनको कॉरेस्पॉन्ड correspond, उनकी कॉरस्पोंडेंस को सामने रखा अब डेफिनेटली जो वर्ड रो लैंग्वेज में एग्जिस्ट करता है उसके कॉरेस्पॉन्ड हम उस लैंग्वेज का वर्ड बना सकते हैं जो पीडीएम में एक्सेप्ट हो रहा है रिप्लेसिंग रोज बाय द कॉरेस्पॉन्डिंग लेटर्स और नर्स्टिंग और डेल्टा स्टूडेंट्स आज का लेक्चर से करने से पहले मैं ये चाहूंगा कि आज के लेक्चर में डिस्कस किए गए टॉपिक्स पर एक नजर हो जाए सो समिंग अप टूडे लेक्चर हमने रो लैंग्वेज को कंटिन्यू किया उसमें नॉन टर्मिनल डिफाइन किए उसके सी एफ जी के लिए मैंने आपको बताया था सी एफ जी कोरस्पॉन्डिंग टू पी डी ए से पहले कन्वर्शन फॉर्म में जो रो लैंग्वेज हमने इंट्रोड्यूस कराई उसका सीएफ जी बनाएंगे और उसके लिए नॉन टर्मिनल डिफाइन किए और नॉन टर्मिनल की जो फॉर्म थी देट वॉज नेट X, Y, Z, इसका मतलब ये था कि इफ वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम स्टेट X, वी आर एंडिंग एट स्टेट Y, एंड ओनली द करेक्टर Z इज टू बी पॉप फ्रॉम द स्टैक, नथिंग इज टू बी पुश्ड, देन दिस प्रोवाइड्स इंट्रोड्यूसेस ए नॉन टर्मिनल और हमने नॉन टर्मिनल ऐसी तमाम रोज को कंसिडर किया जो नॉन टर्मिनल डिफाइन कर रही हैं उसके बाद वो रोज जो नॉन टर्मिनल डिफाइन नहीं करती उनको कंकेटिनेट किया जा सकता है डिफरेंट Non के साथ and did non और राइट uh, well. साइड पर रो एंड देशन ऑफ नॉन टर्मिनल्स और उसको हमने प्रोडक्शन का नाम दिया तो इस तरह से हमने जर्नलाइज भी किया इस किस्म के प्रोडक्शन को और लास्टली हमने प्रोडक्शन डिफाइन करने के रूल भी उसमें डिस्कस किए और मैंने डिफरेंट थ्री रूल्स पहले आपको बताए और उसमें पहला रूल जो था वो एस के लिए था कि एस को आप स्टार्ट और एक्सेप्ट और डॉलर के कॉरस्पॉन्ड आप ले सकते हैं और सेकेंड रूल वाज नॉन टर्मिनल इज टू रो और थर्ड में हमने वो रोज यूज की थी जो खुद नॉन टर्मिनल डिफाइन नहीं करती लेकिन इनको कंकेटिनेट करने से वे डिफाइन सम न्यू नॉन टर्मिनल और उन नॉन टर्मिनल के कॉरस्पॉन्ड प्रोडक्शन भी हमने देखी फिर जिस एग्जांपल से हम स्टार्ट ले रहे थे उसी एग्जांपल को हमने कंटिन्यू किया ताकि आप प्रैक्टिकली भी देख सकें कि जो बात हम कर रहे हैं उसकी प्रैक्टिकल इम्पलीमेंटेशन एग्जांपल के थ्रू चलती रहे और उसकी तमाम प्रोडक्शंस आपको दिखाई गई और उसको भी सिस्टमेटिकली रूल वन रूल टू और रूल थ्री में उन रोज को बारी बारी यूज किया जो खुद से नॉन टर्मिनल डिफाइन नहीं कर रही थी और उसके बाद लास्टली हमें अपनी जो लास्ट सी एफ जी है उसकी तरफ जाना था मैं आपको बताकर आया था कि यूजिंग द सी एफ जी फॉर रो लैंग्वेज विल बी इंट्रोड्यूसिंग सम न्यू प्रोडक्शन एंड द रिजल्टेंट सी एफ जी विल कॉरसपॉन्ड टू द गि पी डी ए और उसके लिए मैंने आपको लास्ट रूल फोर बताया कि हर रो जो भी आप लेंगे दैट विल बेसिकली रीड सर सर्टन लेटर और नलस्टेंग और ब्लैंक कैरेक्टर डेल्टा तो हर रो के कॉरेस्पॉन्ड उस एग्जांपल को सामने रखते हुए जितने भी लेटर्स या करेक्टर्स या ब्लैंक कैरेक्टर आ रहा था उसकी एक सीक्वेंस ऑफ सेट ऑफ प्रोडक्शन आपको आ, इंक्लूड की यूजिंग रूल फोर एंड वी क्लेम दैट नाउ द सीएफजी एफ जी इज कम्प्लीट और उस सीएफजी को यूज करते हुए जो एक वर्ड हमने एग्जाम्पल में बनाया था सीक्वेंस ऑफ रोज को उससे कॉरेस्पॉन्ड जो स्टेंग जनरेट हुई वो आपको दिखा दी गई स्टूडेंट्स आज का लेक्चर यहीं अख्ताम पजीर होता है अगले लेक्चर तक के लिजाज दीजिए खुदा हाफिज